हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास एक एसी का 220 वोल्ट वाला मोटर है जो कि एसी लाइन पे वर्क करता है, और एक डीसी मोटर है। तो हम आपको दोनों में कंपैरिजन करके बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको एक मोटर और दूसरी मोटर के शाफ्ट को आपस में अटैच कर लेना होगा। फ्रेंड, उसके लिए आपको 12 वोल्ट डीसी मोटर में एक छोटी सी क्लिप लगानी होगी। देखिए, मैं लगा लिया हूँ पहले से ऑलरेडी, और इसको आपको इस बड़े वाली मोटर के शाफ्ट में अच्छी तरह से गूंद के द्वारा आपको अच्छी तरह से चिपका लेना है। या फेवी क्विक है, इससे कोई कितना भी स्पीड नचेगा तो ये छोड़ नहीं सकता। देखिए, मैं इसमें थोड़ी सी फेवी क्विक को रख लेता हूँ, उसके बाद इसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से शाफ्ट को आपस में अटैच कर लिया। तो दोस्तों, मैंने बड़ी वाली फैन में कंडेंसर का प्रयोग कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप। और अब मैं 5 वोल्ट देकर छोटी वाली मोटर को ऑन करूँगा, देखते हैं बड़ी वाली मोटर को वो नचा पाता है कि नहीं। तो मैं इसमें 5 वोल्ट दे दिया हूँ, अब स्विच दे के आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये थोड़ी थोड़ी राउंड कर रहा है, मतलब 5 वोल्ट से इसको कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं दे पा रहा है इस पंखा को घुमाने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, इसमें 12 वोल्ट को इन करूँगा। देखिए, हमारे पास एक 12 वोल्ट का अडैप्टर है, देख सकते हैं आप। तो मैं इसे भी कनेक्शन कर दिया हूँ, और मैं आपको स्विच देख के दिखाता हूँ। देखिए, मैंने स्विच दे दिया है, देखिए कितना अच्छा से वर्क करने लगा है, बहुत स्पीड लग रहा है। तो अब मैं चेक करूँगा कि ये बड़ी वाली मोटर से एनर्जी उत्पन्न होती है कि नहीं। तो एनर्जी चेक करने के लिए आपको एक बल्ब को जोड़ लेना है आउटपुट वाली वायर में, क्योंकि देखिए मैंने कनेक्शन को कर लिया है। ये 9 वाट का LED बल्ब है, देखिए इससे कोई भी एनर्जी पैदा नहीं हो रहा है, देख सकते हैं आप। तो चलिए, मैं आप बड़ी वाली मोटर से छोटी वाली मोटर को नचा के दिखाने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, मैंने पूरी कनेक्शन कर दिया है, अब स्विच दे के दिखाता हूँ। देखिए, ये भी अच्छी तरह से राउंड कर रहा है, घूम रहा है। तो सबसे पहले मैं इस छोटी वाली मोटर के आउटपुट में कोई भी बल्ब को लगा कर देखता हूँ। तो दोस्तों, मैंने बल्ब का कनेक्शन कर लिया है, ये एक नॉर्मल बल्ब है जो कि, तो चलिए मैं पावर को ऑन करता हूँ। देखिए, ये ग्लो कर चुका है, और इधर मोटर भी राउंड कर रहा है। दोस्तों, मैं अपनी घर की बल्ब को बुझाकर दिखाता हूँ। तो देखिए, ये कितना अच्छा है। अगर आप इस प्रोजेक्ट को बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर बना सकते हैं, वो भी 4 रुपये में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।